मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक 15 इयर्स ओल्ड लड़की को देखते हैं जिसका नाम लॉरेन ज़ेवेलियर है। लॉरेन फ्रांस के डिजोन सिटी में रहता है। वो स्टडी में काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उसके क्लास में उसको बहुत अच्छा ग्रेड मिलते थे। ये बात 1954 की है और इस टाइम इंडो चाइना वार चल रही थी और फ्रांस उस वार में शामिल था, जिससे लॉरेन वार में शामिल घायल हुए सोल्जर के लिए डोनेशन जमा कर रहा होता है। बाद में लॉरेन और उसका दोस्त बातें करते हुए एक बुक स्टॉल में जाता है, जहाँ पर लॉरेन एक बुक चोरी करता है। फिर हम लॉरेन के घर में उसके डैड को देखते हैं, जिनका नाम चार्ल्स था। चार्ल्स अपने फैमिली पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम लॉरेन के मॉम क्लारा को देखते हैं। क्लारा लॉरेन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी। लॉरेन के दो बड़े भाई थे, थॉमस और मार्क, और लॉरेन भी अपने भाइयों की तरह पैसे कमाना चाहता था। जब सारी फैमिली एक साथ डिनर कर रही थी, तब लॉरेन के डैड उसको डांटने लगते हैं, जिससे लॉरेन वहां से चला जाता है। पर थोड़ी ही देर में उसकी मॉम उसके पास जाती है और उसे मना लेती है। फिर जब लॉरेन उसके कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है, तब उसके दोनों भाई वहाँ आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, जहाँ वो उसके कपड़े भी उतारते हैं। जहाँ उसके बाद तीन भाई अपने प्राइवेट पार्ट्स की साइज चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी मैड आ जाती है, जो उनको ऐसा करने पर डांटने लगती है। अगले दिन लॉरेन सुबह स्कूल लेट पहुँचता है, जिससे फादर उसे डांटने लगते हैं। तब लॉरेन फादर को कहता है कि वो रास्ते में एक ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करवाने के लिए रुका था, इसीलिए वो लेट हो गया। स्कूल के बाद वो अपने दोस्तों के साथ जाके सिगरेट पीने लगता है। वहाँ से जब वो घर जा रहा होता है, तो रास्ते में वो अपने मॉम को देखता है, जो किसी के साथ कार में बैठी हुई होती है। तो वो समझ जाता है कि उसके मॉम का इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर वो ये बात अपने डैड को बताने जाता है, पर उसके डैड काम में बहुत बिजी थे, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। फिर लॉरेन फादर के पास जाता है और कहता है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं, मैंने बुक स्टोर से बुक चुराई और मैं मास्टरबेट करता हूँ। फादर ये सब सुनकर लॉरेन को समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और तुम ये सब भूल जाओ, लेकिन फिर भी लॉरेन हमें उसके दोस्तों के साथ स्मोकिंग करते हुए दिखता है। एक दिन थॉमस और मार्क लॉरेन को क्लब में लेके जाते हैं। लॉरेन को पता चलता है कि उसके ब्रदर इस क्लब में पहले कई बार आ चुके हैं। तब वहाँ पर फ्रेडा नाम की एक लड़की आती है। फ्रेडा इस क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। वो लॉरेन को उसके साथ डांस करने को कहती है। जब एक कमरे में फ्रेडा और लॉरेन इंटीमेट हो रहे होते हैं, तब उसके ब्रदर वहाँ पर आके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सब के बाद लॉरेन काफी अपसेट होता है। उसके बाद लॉरेन स्काउटिंग ट्रिप पर गया हुआ होता है। वहाँ से वापस आने के बाद लॉरेन को काफ़ी ज़्यादा बुखार आ जाता है। तब डॉक्टर उसे देखने आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 महीने तक बुखार रहेगा, इसलिए लॉरेन को सावधानी पर रखनी होगी। उसके बाद उस घर की मेड उसकी अच्छे से देखभाल करने लगती है। फिर क्लारा लॉरेन के पास आती है और उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। जब वो 3 साल की थी, तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और तब से वो मेड ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। तब उसके डैड पॉलिटिक्स में शामिल थे और वो उनकी बिल्कुल केयर नहीं करते थे। वो हर रोज एक न्यू लेडी के साथ रिलेशन बनाते थे। तब उनका घर इटली में था। क्लारा कहती है कि लॉरेन को देखकर उसे उस टाइम को भूलने में हिम्मत मिलती है। इतना कहकर जब वो वहाँ से जाने लगती है, तब लॉरेन उसे देखने के लिए विंडो के पास आता है। तब वो देखता है कि क्लारा वही अनजान इंसान के साथ कार में चली जाती है। लॉरेन की ट्रीटमेंट चल रही होती है। तब पता चलता है कि लॉरेन को दिल की बीमारी है और उसे मेडिकल भाषा में हार्ट मर्मर कहा जाता है। लॉरेन के खुशी के लिए क्लारा गिटार बजाती है। उसके बाद धीरे धीरे लॉरेन ठीक होने लगता है। उसके कुछ दिन बाद लॉरेन के स्कूल के फादर उसके घर आते हैं। वो क्लारा को कहते हैं कि लॉरेन की बीमारी की वजह से वो बहुत ही मैच्योर हो गया है और उसने स्टडी में बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई है। फादर क्लारा को कहते हैं कि लॉरेन की बीमारी का अच्छे से ट्रीटमेंट करना जरूरी है। फिर उसके बाद लॉरेन की ट्रीटमेंट के लिए उसको सेनाटोरियम में ले जाना पड़ता है। लॉरेन और क्लारा एक होटल में रुकते हैं। चार्ल्स के सेक्रेटरी ने पहले से एक कमरा बुक कर दिया था, लेकिन सेक्रेटरी ने गलती से 2 कमरे की जगह एक ही कमरा बुक किया था और उस वक्त होटल के सारे कमरे फुल होते हैं, जिस वजह से लॉरेन और क्लारा को एक ही कमरे में रुकना पड़ता है। लॉरेन की यहाँ पर 2 यंग गर्ल हेलेन और डेफनी के साथ दोस्ती होती है। फिर इन दोनों में लॉरेन इंटरेस्ट लेने लगता है। लॉरेन हेलेन से खुलकर बातें करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन हेलेन उसे मना कर देती है। पर जब लॉरेन की मॉम नहा रही होती है, तब वो उसको देखने लगता है। जब ये बात क्लारा को पता चलती है, तब वो लॉरेन को थप्पड़ मारती है। तो लॉरेन उसे कहता है कि वो उसके अफेयर के बारे में जानता है। ये बोलते बोलते वो रुक जाता है।
थोड़ी देर बाद क्लारा बेड पे रोने लगती है तो लॉरेन उसके पास जाता है और कहता है कि क्या बात है। तब क्लारा कहती है कि उसका अफेयर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो क्लारा की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। फिर लॉरेन उसको सहारा देकर उसको समझाने लगता है। बाद में लॉरेन और क्लारा दोनों साथ में डिनर करते हैं। क्लारा बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी सारी फीलिंग्स लॉरेन समझ रहा था। उसके बाद दोनों साथ में कार्ड भी खेलते हैं, सेलिब्रेशन में दोनों डांस भी करते हैं, फिर दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। फिर उस रात कमरे में लॉरेंट और क्लारा इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद लॉरेंट को गिल्टी फील होता है क्योंकि वो उसके मॉम के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर क्लारा उससे समझाती है कि ये बात सीक्रेट रहेगी और तुम इस बात के बारे में ज्यादा मत सोचो। लॉरेंट हेलेन के पास जाता है, तब हेलेन उसके साथ बात करना नहीं चाहती, तो लॉरेंट डेफिनी के कमरे में जाता है और दोनों इंजॉय करते हैं। उसके बाद लॉरेंट घर वापस जाता है तो उसको देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तब लॉरेंट को पता चलता है कि वो नंगे पांव घर आया था और कुछ इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम मर्मर ऑफ द हार्ट है जो 1971 में रिलीज हुई थी। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।